दुनिया में सबसे ज़्यादा ओहदे रखने वाली शख्सियत शेखुल इस्लाम जस्टिस मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी कौन है? एक एहसास मारूफ नाम। कौन जानता था कि 27 अक्टूबर 1943 को हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के मशहूर कस्बा देवबंद में पैदा होने वाले इस फर्जंद ने आलम इस्लाम के उफक पर किस चमक दमक के साथ तलू होकर चमकना है कि इनके मुकाबले में बाकी सबकी चमक दमक मानिंद पड़ जाएगी। पाकिस्तान बनने से 4 साल पहले दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस और बानिया ने पाकिस्तान और बाद अज़ां मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर में उनके सबसे छोटे बेटे मोहम्मद तकी उस्मानी की शक्ल में एक ऐसा गौहर नायाब पैदा हुआ जिसकी चमक से आज पूरी दुनिया की इल्मी महफिलें पुर रौनक हैं। अगरचे मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब अपने वालिद के सबसे छोटे बेटे हैं, लेकिन अपनी खिदमात में वो अपने बड़े भाई मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब से बहुत आगे हैं। और अगर हकीकत हाल को मद्देनजर रखा जाए तो इस वक्त अहले हक में इनकी टक्कर की कोई दूसरी इल्मी शख्सियत पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलती। 7 बरेआज़म में पहली पूरी उम्मत मुस्लिमा में ये वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जिनकी बात पर अरबो अजम और दुनिया जहां में पहली उम्मत सर तस्लीम खम करती है और हर मुश्किल की घड़ी में उम्मत के तबकात की पहली और आखिरी नज़र इन्हीं की तरफ जाती है। अफ्रीका में कादियानियों के गैर मुस्लिम होने से मुतालिक केस चल रहा था और अदालत में दलाइल देने थे तो अफ्रीका के मुसलमानों की पूरी दुनिया में इस मकसद के लिए जिस हस्ती की तरफ नज़र गई वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे जो अफ्रीकियों की दावत पर अफ्रीका गए और कोर्ट में अपने दलाइल से कादियानियों को काफिर करार दिलवाने में कामयाब रहे। फजी से लेकर मगरिब के आखिरी किनारे तक और नार्वे से लेकर जनूब के आखिरी किनारे तक फैली हुई पूरी उम्मत जिसको अपना मुत्तफिका मुफ्ती आजम मानती है और जिसके फतावा को हरफ आखिर का दर्जा देती है वो है मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातहुम आलिया, जिससे अगर उम्मत मुस्लिमा में कोई नावाकिफ है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम है जो चराग तले अंधेरे वाले मुहावरे का अमली नमूना बनी हुई है। और पाकिस्तान की अक्सर आबादी मुफ्ती साहब से या तो सिरे से ही वाकिफ नहीं या फिर सिर्फ नाम की हद तक शनासा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो हस्ती है जिसे सऊदी अरब अरसा दराज से नेशनैलिटी देकर मुस्तकिल सऊदी शहरियत और रिहाइश का इसरार कर रहा है, मगर ये दरवेश अपनी मट्टी से मोहब्बत का कर्ज चुकाने के लिए हरमैन का पड़ोस छोड़े हुए है जिसे अपने मुल्क के हुक्काम ने भले मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड न दिया हो मगर उर्दन के बादशाह ने उनके दीनी खिदमात के एतराफ में उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दिया है। सिर्फ इस्लामी दुनिया के हुक्मरान नहीं बल्कि बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन से लेकर शमाली अमरीका के सुदूर तक मुफ्ती तकी साहब से वक्त लेकर उनसे इस्लाम के निज़ाम मईशत पर आगाही लेते हैं और अपने सूदी निज़ाम के मुकाबले में अपने यहाँ उसे नाफिजुल अमल करवाने के लिए मशवरा लेते हैं, जिन्हें खिताबात के लिए सिर्फ पाकिस्तान या दीगर ममालिक के मदारिस से दावतनामे नहीं मिलते बल्कि दुनिया की नामवर और मशहूर जमाना यूनिवर्सिटियों से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे आलमी फोरम पर मईशत के मौजू पर खिताब और आगाही प्रोग्रामों के लिए मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया जाता है। 150 से ज़ायद अरबी उर्दू फारसी और अंग्रेजी जबानों पर मुबनी किताबों का इल्मी खजाना उम्मत को लिखकर हदिया कर चुके हैं और ये कोई 150 किताबचे नहीं बल्कि एक किताब कई कई जिल्दों पर मुहित है और हर हर जिल्द में हजारों सफात हैं। पाकिस्तान की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच के कमोबे 20 साल चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जिनमें रिबा यानी सूद के खिलाफ तारीखी फैसला हमारे अदालती फैसलों के माथे के झूमर के तौर पर ताक़यामत चमकता दमकता और यादगार रहेगा। सूद से लिथड़ी हुई आलूदा बैंकारी के मुकाबले में दुनिया को सूद से पाक इस्लामी असूलों पर मुबनी बैंकारी का मुकम्मल निज़ाम लिख कर दे चुके हैं। मौजूदा इस्लामी बैंकारी के नाम से मशहूर बैंक इनके बताए हुए निज़ाम पर अमल कर रहे हैं या नहीं इसमें मुफ्ती साहब का कोई दोष नहीं, उन्होंने मुकम्मल निज़ाम मुरतब कर दिया है। अब अहले इक्तिदार की जिम्मेदारी है कि वो इस्लामी बैंकों को मुफ्ती तकी साहब मुरवज करदा असूलों पर चलाने के लिए कानून साजी करे। अगर कहीं कोई कमी कोताही है तो उसमें मुफ्ती साहब का कोई कसूर नहीं और ये वाहिद इस्लामी मुसन्निफ हैं जिन्होंने आसान तर्जुमा कुरान को
ज़मीन की बजाय फिजा में लिखकर आलम इस्लाम में एक नए रिकॉर्ड का इजाफा किया। बामुहावरा और शायस्ता उर्दू से मुजयन खूबसूरत आसान तर्जुमे कुरान सारे का सारा अपने आलमी असफार के दौरान जहाज की परवाज में लिखा और यूं एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर गए। उनसे पहले चंद लोगों ने अंग्रेजी में कुरान का तर्जुमा किया था, मगर वो लोग चूंकि बाकायदा मौलवी और अरबी पर इतनी महारत नहीं रखते थे, बल्कि उन्होंने कुरान के उर्दू तराजम को अंग्रेजी में नकल किया था। इस तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो पहले आलिम दीन है जिन्हें बजाते खुद अरबी पर मादरी जुबान जितना अबूर था और अंग्रेजी में भी महारत तामा हासिल थी। यूं दोनों जुबानों पर मुकम्मल अबूर की वजह से इनका लिखा गया अंग्रेजी तर्जुमा कुरान पाक आज यूरोप के मुसलमानों की मताए अजीज बना हुआ है और बिलाशुबा उर्दू की तरह अंग्रेजी में भी इनके जैसा तर्जुमा कुरान दूसरा नहीं मिलता। जिंदगी के एक लम्हे को कीमती बनाने वाले और उसे जरिए आखिरत बनाना कोई मुफ्ती तकी साहब से सीखे कि जहाज की परवाज के दौरान के वक्त को भी जया होने से बचाया और उर्दू का सबसे खूबसूरत मुस्तनद बामुहावरा आसान तर्जुमा कुरान लिखने जैसे खूबसूरत काम में लगा कर जखीरा आखिरत बना लिया। सन 2009 में पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करने वाले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे, जिस पर पीआईए ने इन्हें बतौर एजाज उम्र भर के लिए पीआईए पर सफर करने की सूरत में इनको एक तिहाई या आधे किराए में सफर करने की सहूलत दे रखी है। मुफ्ती तकी साहब अपनी मादरी जुबान उर्दू के साथ साथ दीगर चार जुबानों अरबी, अंग्रेजी, फारसी और हस्पानवी यानी स्पेनिश पर भी मुकम्मल अबूर रखते हैं। खासकर अरबी और अंग्रेजी में बहुत ही ज्यादा महारत रखते हैं, चुनांचे उनके उर्दू से ज्यादा अरबी और अंग्रेजी के बयानात से इंटरनेट भरा पड़ा है। इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के किन किन ओहदों पर फायज रह चुके हैं या अभी भी मौजूद है उनकी तफसील मुलाहिजा फरमाए। तादम तहरीर जिन ओहदों पर फायज है वो ये है: चेयरमैन शरिया बोर्ड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नायब मोहतमिम और शेखुल हदीस जामिया दारुल उलूम कराची, चेयरमैन इंटरनेशनल शरिया स्टैंडर्ड काउंसिल, अकाउंटिंग एंड एडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहरेन, मुस्तकिल मेंबर और नायब सदर इंटरनेशनल फिकुल इस्लामी अकेडमी जद्दा सऊदी अरब, आर्गन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC, मुस्तकिल मेंबर और नायब सदर इंटरनेशनल फिकुल इस्लामी अकेडमी जद्दा सऊदी अरब, स्पॉन्सर्ड बाय OIC, चेयरमैन सेंटर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स पाकिस्तान, चेयरमैन शरिया बोर्ड सेंट्रल बैंक बहरैन, चेयरमैन शरिया बोर्ड अबू ज़हबी इस्लामी बैंक UAE, चेयरमैन शरिया बोर्ड मिजान बैंक लिमिटेड कराची पाकिस्तान, चेयरमैन शरिया बोर्ड इंटरनेशनल इस्लामिक रेटिंग एजेंसी बहरैन, चेयरमैन शरिया बोर्ड पाक कुवैत तकाफुल कराची, चेयरमैन शरिया बोर्ड JS इन्वेस्टमेंट इस्लामिक फंड्स कराची, चेयरमैन शरिया बोर्ड JS इस्लामिक पेंशन सेविंग फंड्स, चेयरमैन शरिया बोर्ड आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल इस्लामिक फंड्स कराची, चेयरमैन आरकेप्शिया इन्वेस्टमेंट फंड बहरेन, मेंबर मुत्तहिदा शरिया बोर्ड इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा सऊदी अरब, मेंबर शरिया बोर्ड गाइडनेस फाइनेंशियल ग्रुप USA। इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब माजी में जिन ओहदों पर फाइल रह चुके हैं वो ये: जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस शरीयत एपलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स पाकिस्तान, मेंबर सिंडिकेट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मेंबर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स, मेंबर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मेंबर कमीशन ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पाकिस्तान ऑफ पाकिस्तान, जिसको दुनिया जहान ने एजाजन इस कदर बड़े बड़े ओहदे दे रखे हैं और नेशनल लेवल के इदारों का चेयरमैन बना रखा है, उसे पाकिस्तानी हुकूमत एक बुलेट प्रूफ गाड़ी देने को तैयार नहीं, और वजह सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दुश्मनी है और कुछ नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि दुनिया जहां के तालीम याफ्ता और बाशऊर लोग बहुत इज्जत और कदर मंजिलत की निगाह से देखते हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तानी कौम उनको सही से जानती है और ना उसकी कदर, और ना ही पाकिस्तान की हुकूमतों ने कभी उनसे उनकी सलाहियतों के बाकदर कोई बड़ा काम लिया।
जो शख्स अमेरिका और तालिबान जैसी दो मुतहारिब ताकतों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है, उस शख्स से अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो दीनी छोड़ो दुनियावी एतबार से कितने फवाइद हासिल कर सकती है। मगर अफसोस हमारे दौलत परस्त हुक्मरानों पर, जिन्होंने कभी पाकिस्तान के गौहर नायाब को जानने और पहचानने की कोशिश ही न की। ज़ियाउल हक मरहूम ने उनकी सलाहियतों का मुतारिफ होकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपलेट का चीफ जस्टिस लगाया था, मगर जनरल परवेज मुशर्रफ ने सूद को हराम करार देने के फैसले से पीछे न हटने पर ज़बरदस्ती कबल अज़ वक्त माजूल कर दिया। मुफ्ती तकी साहब की तारीफ में दीवान भी लिख दिए जाए तो वो भी कम है। बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आज की दुनिया में इकबाल के शेर की कोई जिंदा मिसाल है तो वो मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के सिवा कोई दूसरा नहीं। यूँ लगता है कि इकबाल अपनी कब्र से उठकर दोबारा से मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की खिदमात को सराहते हुए फिर से अपने शेर को तरकीब लफ्जी देते हुए मुफ्ती तकी साहब की खिदमात को सराहते हुए कह रहे हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर तकी जैसा पैदा।